नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो का रीडर वाटू एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की, सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली में, दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आएँ, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ रतन विशेषज्ञ, मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जिनकी वजह से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं या हमारे घर की बरकत रुक जाती है। मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कई लोग मुझसे ये जानकारी भी चाहते हैं। ऐसा एक साल से हमारे साथ हो रहा है कि हमारे घर में पैसा तो खूब आया लेकिन रुका नहीं और हमारे घर में बरकत ही ख़त्म हो गई, उसके क्या कारण होते हैं। आज कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आपके घर में जो लक्ष्मी माता है वो चली जाती है, उसका कारण क्या होता है। सबसे पहले कारण की बात मैं करूँगी कि घर के झाड़ू की। हम लोगों के घरों में, जो हम गृहस्थ लोग होते हैं, हमारे घर में जो वास होता है लक्ष्मी माता का, एक वास झाड़ू में होता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और आप जानते हैं, यदि आप अपने घर का झाड़ू जिसे आप इस्तेमाल करते हैं वो आप किसी को ना दें, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। यदि आप अपना यूज़ किया हुआ झाड़ू किसी को भी देते हैं तो आपके घर से बरकत यूँ चली जाती है। तो कृपया अपने यूज़ किया हुआ झाड़ू कभी किसी को ना दें, काम वाली को भी ना दें, आप वो झाड़ू नष्ट ही करें। या तो आप किसी कूड़े वाले को दे दें यू इस्तेमाल करने के बाद जब वो छोटा रह जाए, या फिर उसको नष्ट कर दें, वो किसी और को यूज़ करने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं दें। ये आपके घर की बरकत है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, चकला और बेलना और तवा। आप सब जानते हैं हमारी रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी बरकत से रिलेटेड है, आपका चकला और आपका बेलना और आपका तवा। यदि आप अपना चकला बेलना यूज़ किया हुआ भी आप अपनी हाउस हेल्पर या किसी को ना दें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है आपके घर की बरकत के जाने का। आप यकीन मानिए, आपके घर की बरकत यूं चली जाएगी यदि आप अपने घर के ये सामान किसी को देते हैं। तो आप अपना चकला बेलना और तवा, आप हो सके तो आप अपने हाउस हेल्पर से भी ना धुलवाएं, आप खुद ही धोएं। ये चीज़ आपके घर की बरकत है। और कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या कोई भी ऐसे गेस्ट आपके घर पे आते हैं, आपका चकला बेलना सामने दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपका चकला बेलना आपके घर के सामने दिखता है या बैठने पर लोगों की नज़रों में आता है, तवा ऐसी चीज़ें आपको किसी ड्रॉ में रखनी चाहिए। ये अच्छी नहीं होती कि सबके सामने आप अपने रसोई का ये तीन चीज़ों को रखें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी, शाम के समय जब अंधेरा होता है उस समय पर आपको अपने घर पर झाड़ू नहीं मारना चाहिए। यदि आप अपने घर पर झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की बरकत बाहर जाती है, माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, वो आपके घर नहीं आएंगी, बरकत नहीं आएगी आपके घर। शाम के समय में कभी भी आप झाड़ू ना लगाएं। आप सुगंधित धूप अगरबत्ती इसका इस्तेमाल करें अपने घर पर, ताकि धूप जलाने से आपके घर में सुगंध जो आएगी वो माँ लक्ष्मी माता को आगमन में आपकी मदद करेगी, माँ आपके घर की ओर आकर्षित होगी, बरकत होगी, प्यार आपके घर में बढ़ेगा।
शाम के समय पर आप यदि झाड़ू लगाएंगे तो आपके घर में कलेश भी बढ़ेगा, ये आप देख सकते हैं। यदि आप इसको नियमित करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो आप सदस्यों के बीच में झगड़े भी बढ़ेंगे अचानक। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए और बिल्कुल भी नहीं लगाएं शाम के समय। साथ ही साथ मैं बात करूँगी, यदि शुक्रवार के दिन आपसे कोई खट्टा यानी कि दही या दूध मांगता है तो आप बिल्कुल भी ना दें। शुक्रवार के दिन यदि आप दही या खट्टा सामान किसी को देते हैं तो आपके घर की बरकत यूं चली जाएगी, आप कभी भी ना दें। चाहे वो आपके घर का पड़ोसी हो, चाहे वो आपके घर का कोई हेल्पर हो, या आपके घर का कोई भी ऐसा बंदा जो आपके घर से रिलेटेड नहीं है, आपके परिवार से रिलेटेड नहीं है, आप प्लीज़ अवॉइड करें ये सब चीज़ देना। क्योंकि यदि आप ये चीज़ें देते हैं तो आपके घर से बरकत बिल्कुल ही चली जाती है। अपने धन को कभी भी आप किसी के सामने या गुणगान ना करें, मेरे पास ये है, या मैं इतने पैसे कमाता हूँ, या मैं इस चीज़ का, मेरे को बिज़नेस आने वाला है, या मेरी टर्न ओवर, या मेरा बिज़नेस ऐसा है, इस चीज़ का गुणगान आप ना करें। जितना गुणगान करेंगे उतनी नज़र आपके धन पर लगेगी। और आप कभी किसी अनजान, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, या हमारे घर में मेहमान आते हैं तो वो हमारी जानकारी के होते हैं, आप अपना खाना भी, हो सके तो आप अपना खाना भी अनजान लोगों के सामने ना खाएं। मेहमान तो अपने होते हैं, हमें पता है हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, इनके अलावा अनजान लोगों के सामने अपना खाना भी ना खाएं। एक नज़र का कारण ये भी होता है घर से बरकत जाने का। शाम के समय पर अपने घर पे लाइटें ज़रूर जलाएं, आप अपने घर पे अंधेरा ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है शाम के समय पर वो क्या करते हैं, घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं। सिर्फ एक शाम के समय ऐसा है जब आप अपने घर की लाइटें ज़रूर जलाएं। सिर्फ दिवाली पर ही माँ लक्ष्मी नहीं आती है, रोज़ शाम को माँ निकलती है। यदि आप संध्या समय पर अपने घर की लाइट बंद कर देंगे तो आपके घर में शुभता का आगमन नहीं होगा, खुशियों का आगमन नहीं होगा। हमेशा लाइट जलाएं और भगवान का नाम लेकर शाम को संध्या काल में लाइट जलाएं, तो आप देखेंगे जो बरकत आपको नहीं मिल रही कितनी जल्दी आपके घर पे बरकत आती है, धन टिकना शुरू होता है, समस्याओं का हल मिलता है। ये छोटी छोटी सी मात्र चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। तो आप इन सावधानियों के साथ अपने घर की बरकत को बढ़ाएं। मैं आप भगवान से बहुत शुभकामनाएं, मेरी आपसे बहुत शुभकामनाएं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबको भगवान बहुत सारी बरकत दे और आपकी सभी विशेष पूरी हों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मुझे। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो का रीडर वाटू एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की, सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली में, दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आएं, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद।